हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार मेरे चैनल से फिर से मैं आपको वेलकम करता हूँ। तो आज मैं एक अमेजिंग ट्रिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए वीडियो एडिटिंग के हवाले से। तो ट्रिक बहुत ही मज़े की है, तो ये वीडियो मेकिंग के लिए आपको बहुत काम आएगी। आप वीडियो अगर बनाते हो तो उसके हवाले से बहुत अच्छी ट्रिक है ये। तो अगर आप इसको सही से सीख जाते हो, इस ट्रिक को अगर आपको समझ में आ जाती है ये, तो आप इससे बहुत अमेजिंग कॉन्टेंट और बहुत अच्छी वीडियोज़ बना सकते हो, टिकटॉक वगैरह या स्नैक वीडियोज़ या एनीथिंग एल्स, जो भी वीडियोज़ आप यूज़ करते हो स्लोमो वगैरह। तो इसमें स्लोमो और फास्ट मोशन है, और उसके बाद एक छोटा सा एक ट्रिक है, तो वो भी आपको यूज़ करनी चाहिए। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बातों में टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट चलेंगे अपनी एडिटिंग पर। तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ पावर डायरेक्टर पर, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से अपना रेशियो सेलेक्ट कर लेना। आप अपना मोबाइल वाला रेशियो भी सिलेक्ट कर सकते हो, फुल साइज़ वाला। मैं यूट्यूब के हवाले से ये वाला रेशियो सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर स्लोमो और फास्ट मोशन वाली जो हमारी एडिटिंग होती है वो करनी है मैंने। याद रखना कि स्लोमो और फास्ट मोशन तो आपको हर एडिटर में मिल जाता है, लेकिन जो पावर डायरेक्टर का स्लोमो है और फास्ट है, वो इतना पावरफुल है कि आपको बिल्कुल रियल लगता है। ऐसा नहीं लगता कि ये एडिट हुआ पड़ा है, ऐसा लगता है कि जैसे ये कैमरे से ही शूट हुआ है। तो इसका मतलब ये कि आपको मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप अगर कोई और एडिटर यूज़ करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप पावर डायरेक्टर पे आ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पावर डायरेक्टर हाई पावरफुल सॉफ्टवेयर है। तो ये आपकी वीडियो को बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा और बनाएगा। तो वीडियो ट्रिक बहुत अच्छी है, मैं आपको इसको प्रीव्यू भी दिखा दूंगा इसका, वीडियो को बनाकर जो मैंने बनाई है वीडियो, वो एंड में आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ पर अपने एक स्प्लिट करना है, ठीक है, मैंने स्लो मोशन की वीडियो एडिट की है, तो मैं यहाँ पर फास्ट की एडिटिंग करूँगा। जब आप फास्ट की वीडियो एडिट करोगे तो स्लोमो की करोगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको फुल फास्ट कर दिया मैंने पहले कट को, ठीक है। अब मुझे स्लोमो कितना रखना है वो भी मैं यहाँ पर स्प्लिट कर लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले चेक, ये आपने चेक रखना है कि आपने कहाँ पर कैसे कैसे करना है। जैसे अब मैं यहाँ पर पहला स्प्लिट मैंने यहाँ पर किया, और दूसरे स्प्लिट में थोड़ा सा आगे जाके 1-2 सेकंड के बाद फिर यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपने हर एक स्प्लिट कहना में स्प्लिट करना है, और उस स्प्लिट को कहना में फुल स्पीड पर कर देना आपने 8x पर, ठीक है। बाकी स्लोमो को स्लोमो ही रहने देना, अगर स्लोमो वाली वीडियो पुट की है। अगर फास्ट वाली है तो फिर आपने फास्ट को स्लोमो करना है, ठीक है। उसके बाद आपने जहाँ पर स्प्लिट किया है ना, जिस बीट पर आपने स्प्लिट किया है उस पर, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रिक है, ये ट्रिक आपको अच्छे से आ जाएगी, तो आप इसकी हेल्प से आप बहुत अच्छी वीडियोस बना सकते हो। आपने यहाँ से एक फोटोज़ में जाना है, और यहाँ पर एक कलर वाइट कलर का कलर बोर्ड ऐड करना है, ठीक है, और कोई और नहीं ऐड करना। तो ये इसको फुल साइज़ कर दूंगा, वाइट कलर का कलर बोर्ड, और फुल साइज़ करने के बाद इसको आपने बिल्कुल छोटा कर देना है, सही है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। और छोटा करने के बाद अब इसको आपने यहाँ से पेंसिल वाले बटन पे जाकर यहाँ से ये जो ब्लेंडिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर ओवरले की ब्लेंडिंग लगा देनी है, ठीक है। ओवरले की ब्लेंडिंग जो 100 है यही लगानी है। अच्छा, ये ध्यान में रखना कि ये जो ब्लेंडिंग है ओवरले की, ये ओवरले ही लगानी है, कोई और नहीं लगाना, तो वो मज़े की नहीं लगेगी और अच्छा वर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो और दूसरी बात ये कि ये एडिटिंग आपने जब आप वीडियो पुट करोगे उसके बाद आपने साउंड पुट करना है, और साउंड की बीट के ऊपर आपने ये एडिटिंग करनी है, और इस तरह से इसका डुप्लीकेट बना लेना। डुप्लीकेट बनाने के बाद जिस स्प्लिट पे आपको चाहिए, जहां से स्लोमो स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर इसका टच आएगा, तो स्टार्टअप पर, हर स्लोमो के स्टार्टअप पर आपने ये लगा दिया, या फिर फास्ट मोशन के स्टार्टअप पे, जहां आपको सही लगे। तो जो मैंने प्रीव्यू बनाया है इस वीडियो का, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, तो आपको उससे भी कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। मेरा प्रीव्यू भी आप देख लो।